Hey guys, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग आपके फ़ोन का कस्टमाइजेशन बताने वाला हूँ जिसे देखकर आपके दोस्तों के आप भी चौंक जाओगे। तो गाइज आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग ने अपने फ़ोन का जो वॉल्यूम का स्टाइल होता है उसे आप लोग कैसे चेंज कर सकते हो। तो गाइज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हो कि मेरे फ़ोन का वॉल्यूम का कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप लोग यहाँ पे देखने को मिला होगा। आपके फ़ोन में बिल्कुल ऐसा ही इंटरफेस यानी कि ऐसा ही वॉल्यूम का स्टाइल देखने को मिल रहा होगा, लेकिन गाइज हम लोग ने इसके जो स्टाइल उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो गाइज इस वॉल्यूम के स्टाइल को चेंज करने के लिए आप लोग एक छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। गाइज डाउनलोड कर लेने के बाद सिंपली हम लोगों ने उस एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेना पड़ेगा। तो गाइज जैसे कि अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उस एप्लीकेशन का नाम है वॉल्यूम स्टाइल्स। तो गाइज सिंपली हम लोग इस एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पे इस एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो गाइज ओपन कर लेने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो गाइज अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें बहुत ही ज़्यादा बहुत ही सारा यहाँ पे आप लोगों का वॉल्यूम का स्टाइल यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो रियलमी UI MI Vivo Samsung बहुत ज़्यादा अमेजिंग इसमें आप लोगों को वॉल्यूम का स्टाइल देखने को मिल जाएगी। आप लोग इसको आराम से यूज कर सकते हो। तो गाइज इसको यूज करने के लिए आप लोगों ने इसके एक परमिशन को यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा। तो गाइज इसको इनेबल करते हैं। तो गाइज इनेबल करने के लिए सिंपली लोगों को किसी एक पे क्लिक करना पड़ेगा। तो गाइज चलिए मैं यहाँ से किसी एक जैसे कि iOS वाले पे क्लिक करता हूँ। तो इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टार्ट का ऑप्शन। तो गाइज स्टार्ट वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक्सेसिबिलिटी सर्विस, इसको हम लोग को यहाँ पे इसको इनेबल करना पड़ेगा। तो गाइज मैं इसको यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ। तो इनेबल करने के लिए मैं आज आ गया सेटिंग में। सेटिंग मारने के बाद यहाँ पे हम लोग को मोर डाउनलोडेड सर्विस पर क्लिक कर देना पड़ेगा। उस पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा वॉल्यूम स्टाइल, हम लोग उस पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से इनेबल कर देंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे उसको यहाँ पे ओके कर दिया। ओके कर देने के बाद मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ और वॉल्यूम स्टाइल एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ओपन हो चुका है और अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे चेंज हो चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे फ़ोन का जो वॉल्यूम का जो स्टाइल है बिल्कुल यहाँ पे चेंज हो चुका है। अभी आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, आप लोग इस प्रकार से चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को और एक चेंज करके आप लोग यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो फिर से मैं वॉल्यूम स्टाइल एप्लीकेशन यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। ओपन कर लेने के बाद मैं यहाँ पे दूसरा कोई एक यहाँ पे सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाला ऑप्शन आप लोग को देखने को मिला ऑक्सीजन OS। तो गाइज सिंपल हम लोग यानी कि वन प्लस का है, हम लोग उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक कर देने के बाद हम लोग उसका यहाँ पे स्टार्ट कर लेना पड़ेगा। हम लोग पिछले वालों को यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। स्टॉप कर देने के बाद इसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट कर देने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पे चेंज हो चुका है। हम लोग यहाँ इसको इस एप्लीकेशन को बैक कर लेते हैं और अभी आप लोग को दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे आप सकते हो ये सारा कुछ इसमें आ चुका है। सारे जो हम लोग को फोन में नॉर्मली रहता है वो सारे इसमें चेंज हो चुका है। अभी आप लोग कोई और भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं एक और आप लोग यहाँ पे चेंज करके दिखा दूँ वो कौन सा। तो ऐसे चलिए यहाँ पे आप लोग देखते हैं। तो गाइज अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन देखने को मिला होगा विंडोज़ फ़ोन। तो हम लोग उस पर क्लिक करेंगे और पिछले वाले को स्टॉप करेंगे और इसको यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे। तो गाइज मैंने इसको यहाँ पे स्टार्ट कर लिया है। स्टार्ट कर लेने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। तो मैं ऐसे बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार का देखने को मिला होगा। यहाँ पे रिंग, मीडिया, अलार्म, वॉइस कॉल, यहाँ पे सब कुछ कुछ इस प्रकार का देखने को मिल रहा होगा। तो गाइज आप लोग इस प्रकार से ना अपने वॉल्यूम के जो स्टाइल को उसको चेंज कर सकते हो। तो गाइज आप लोगों को इस सब में से कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।